सब्सक्राइब करें मेरी चैनल Y3 एडिटिंग को और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। हाय दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं फर्स्ट इंट्रो कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहले आपको इस फाइल को डाउनलोड कर लेना है, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। सबसे पहले सिंपली इसको आपको एक्सट्रैक्ट करना होगा, उसके बाद ओके। दोस्तों मैं आपको बता दूँ, यहाँ आपको पासवर्ड डालना है और वह पासवर्ड आपको वीडियो के दौरान मिलेगा। तो यहाँ पासवर्ड मैं डाल देता हूँ, जैसे एक्सट्रैक्ट हो जाए इस फाइल को आपको ओपन करना है। आप यहाँ देख सकते हैं यहाँ एक PSD फाइल है, इस PSD फाइल को आपको ओपन करना है। आप देख सकते हैं यहाँ एक लोगो ओपन हो चुका है। दोस्तों मैं आपको बता दूँ, ये लोगो की जो साइज है उस साइज को आपको कुछ भी बड़ा या छोटा नहीं करना है, जैसा है वैसा ही इसको रहने देना है। अगर आप चाहें तो ये ब्लू कलर है, इसकी जगह आप कलर चेंज कर सकते हैं। जैसे कि आपको रेड करना हो तो रेड सिलेक्ट करके यहाँ पेन टूल में लेके आप कलर बदल सकते हैं। जैसे कि इधर लोगो लिखा है, तो अगर लोगो लिखा है तो लोगो की जगह आप दूसरा भी कुछ भी लिख सकते हैं। अगर आपका खुद को भी कोई लोगो है तो उस लोगो को भी यहाँ रखकर आपको फाइल में सेवेस करके इस फाइल को आपको PNG में सेव कर देना है। आप देख सकते हैं ये मेरा लोगो मैंने बनाया है। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको कोई भी 10 इमेजेस जो आप अपने इंट्रो में रखना चाहते हो वो 10 इमेजेस आपको सिलेक्ट करनी है। उसके बाद क्या करना है, उस इमेजेस को आपको फोटोशॉप में खोलना है। ठीक है, ये फ़ोटो खुल चुके हैं। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको यहाँ पे एक लेयर लेना है, उस लेयर को की ओपेसिटी आपको 20 कर देनी है। उसके बाद यहाँ पे कोई भी कलर आपको चूज़ करना है, जैसे कि मैं भी कर लेता हूँ ब्लू, ओके। उसके बाद यहाँ ब्लैकेट टूल लेके हमें यहाँ पर पेंट कर देना है। उसके बाद हमें टेक्स्ट यहाँ रखना है, तो हमें टेक्स्ट भी यहाँ रख सकते हैं, जैसे कि मैं अभी रख रहा हूँ टेक्स्ट। ठीक है, उस टेक्स्ट को हमें अपनी साइज के अनुसार उसको बड़ा छोटा करना है और इस इमेज को हमें सेव कर देना है। फाइल में जाके उसको हम JPG में कन्वर्ट करके उसको सेव कर देंगे। इस तरह आपको उन सभी फ़ोटो को ऐसे एडिट करना है। जैसे कि मैंने पहले से एडिट कर रखी है तो मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे मैंने की है अलग अलग कलर में, इस तरह आपको सभी इस फोटो को एडिट कर देने हैं। उसके बाद क्या करना है, आपको फिल्मोरा में जाना है, फिल्मोरा ओपन करना है। फिल्मोरा जैसे ओपन करेंगे हमें ये फुल फीचर मोड सिलेक्ट करना है, उसके बाद हमारा फिल्मोरा ओपन हो जाएगा। हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें फाइल इंपोर्ट करना है, तो यहाँ पर क्लिक करना है और हमने जो फाइल एडिट की हुई है उन सभी फाइलों को यहाँ हमें इंपोर्ट करना है। ठीक है, और इस फाइल को हमें टाइमलाइन पर लाना है, यहाँ से आप उसको बड़ा छोटा कर सकते हो। हमें क्या करना है, हमें यहाँ से उसको 12 की फ्रेम पर उसको स्प्लिट करना है, मतलब कि काटना है। हम यहाँ 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12 फ्रेम आ गई तो इसको हमें स्प्लिट कर देना है और बाकी का भाग को हमें कीबोर्ड पर से डिलीट की दबा कर उसको डिलीट करना है। इस तरह हमें सभी फ्रेम को 12 पे स्प्लिट करना है। ठीक है, स्प्लिट हो जाने के बाद हमको क्या करना है, इस पहली इमेज पर राइट क्लिक करके क्रॉप एंड जूम में जाना है। यहाँ पेन और जूम लिखा है, वहाँ पर क्लिक करना है और उसको हमें क्या करना है, साधारण सा उसको थोड़ा जूम करना है, बहुत ज़्यादा नहीं करना है, बस इतना ही करके हमको
ओके कर देना। इस तरह सभी इमेज को हमको क्रॉप और जूम करना है। सबको क्रॉप और जूम करने के बाद चलो एक बार हम इसको देख लेते हैं कैसा बना है। ठीक है, इसके बाद हमको क्या करना है दोस्तों, हमें इस यहाँ सैम्पल वगैरह में जाना है और उसमें से वाइट कलर लेना है और इस लेयर को हमें सिलेक्ट करके यहाँ पर लाना है। उसके बाद इस वाइट लेयर को हमें क्या करना है, उसके तीन फ्रेम पर उसको हमें स्प्लिट करना है, 1, 2, 3, और उसको हमें स्प्लिट कर देना है और बाकी का जो लेयर है उसको हमें डिलीट कर देना है। और ये जो वाइट लेयर है उसको हमें सिलेक्ट करके उसको कॉपी करना है और उसकी 10 कॉपी हमें करना है, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ठीक है, 10 कॉपी कर लेना है, मतलब ये वाइट लेयर टोटल 11 हो जाएंगे। उसको थोड़ा हम बड़ा कर लेते हैं। ठीक है, इसके बाद हमें क्या करना है, हमें इंपोर्ट में जाके जो फ़ोटो हमने एडिट नहीं की हुई है उस फोटो को हमें इसमें ला देना है। ठीक है, हमने जो फ़ोटो पहले जो एडिट की थी वो ये वही फ़ोटो है बिना एडिट की हुई है। ठीक है, तो उस फोटो को हमें क्या करना है, यहाँ पर लाना है एक लेयर को छोड़ के बाद, और इस लेयर को हमें सबसे पहले क्या करना है, उस पर क्रॉप और जूम में जाना है, पैन और जूम में जाना है, और इसको हमें 16:9 उस पर हमें क्रॉप करना है। ठीक है, उसके बाद ओके, क्रॉप छोड़ने जाने के बाद इस लेयर को हमें 4 फ्रेम पे उसको स्प्लिट करना है, 1, 2, 3 और 4 उसको स्प्लिट कर देना है और बाकी के लेयर को भाग को हमें डिलीट कर देना है। ठीक है, इस तरह हमको सभी इमेज को करना है। ये हो जाने के बाद हमें इसको एक्सपोर्ट करना है। यहाँ एक्सपोर्ट पर हम क्लिक करेंगे, उसके बाद यहाँ पे मूव सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद यहाँ देखो माय इंट्रो आ गया है, इसमें सेटिंग में जाएंगे, यहाँ पर हम बेस्ट पे सिलेक्ट कर देंगे, उसके बाद ओके पर क्लिक करेंगे और इस फाइल को हम एक्सपोर्ट कर देंगे। यहाँ एक्सपोर्ट होना शुरू हो चुका है। एक्सपोर्ट करने के बाद इन सारी फाइलों को हम डिलीट कर देंगे, इस टाइमलाइन में से भी हम इस फाइल को डिलीट करेंगे। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद हमको अभी जो हमने एक्सपोर्ट किया है जो फाइल उसको हमें इंपोर्ट करना है। ठीक है, इसको हमें इंपोर्ट किया, उसके बाद दूसरा हमको जो फोल्डर आपने डाउनलोड किया है उस फोल्डर में इस इंट्रो का साउंड है और एक एनिमेशन है, इन दोनों को आपको इंपोर्ट कर लेना है। उसके बाद आपने जो लोगो अपना बनाया होगा उस लोगो को आपको इंपोर्ट करना है। ठीक है, जो हमने फाइल एक्सपोर्ट की थी उस फाइल को हमें इस टाइमलाइन पर ले आना है। टाइमलाइन पर लाने के बाद ये एनिमेशन वाली जो फाइल है उस फाइल को हम उसके नीचे हम टाइमलाइन पर ला देंगे। चलो एक बार हम इसको देख लेते हैं। ठीक है, अब हमें क्या करना है, उसको यहाँ पे
सात सेकंड पे, यहाँ सात सेकंड पे जो ऊपर वाला जो भाग है उसको मैं अभी कट करूँगा, स्प्लिट कर दूँगा और बाकी का डिलीट कर दूँगा। और यहाँ में क्या करना है, हमारा जो लोगो हमने बनाया है उस लोगो को हमको यहाँ पर ले आना है, और लोगो का ये बाकी का जो हिस्सा है उसको भी हमें स्प्लिट कर देना है या डिलीट कर देना है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया। उसके बाद क्या करना है, ये हमारा इंट्रो का जो साउंड है उस साउंड को हमें यहाँ टाइमलाइन पर ले आना है। तो चलो एक बार हम इसको देख लेते हैं, ये साउंड भी थोड़ा ज़्यादा है तो इसको भी हम थोड़ा स्प्लिट कर देंगे। ठीक है चलो एक बार देखते हैं हो गया है कि नहीं। तो दोस्तों इस तरह हमारा लोगो अब रेडी है और इसको भी हमें एक्सपोर्ट कर लेना है। आप जिस अब जैसे भी साइज चाहे उस साइज में हम कर सकते हो, WMV में, MP4 में, AVR और MOV में, FLV, MKV, यहाँ सब साइज है। सब साइज आपको आपकी मनपसंद साइज सिलेक्ट करके आपको एक्सपोर्ट कर देना है। तो आपका इंट्रो यहाँ पर रेडी है।